करिए प्रमोद भैया, शुरू करिए, बोलिए। तो हम लोग अभी जाने वाले थे शिव जी का धाम दर्शन करने के लिए, तो ने कहा कि दर्शन तो होंगे ही, एक बार पीली पोखर में आचमन कर लेते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पीली पोखर की तरफ दर्शन करने के लिए और आचमन करने के लिए। अच्छा, पीली पोखर बरसाने का एक ऐसा स्थान है जिसकी बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। पीली पोखर अब आप लोगों को पीली पोखर का दर्शन कराएंगे और पीली पोखर महिमा, पीली पोखर लीला का आपके सामने बखान करेंगे, आपको बताएंगे कि पीली पोखर की लीला क्या है। तो आप लोग भी जहाँ पे भी अभी बैठे हुए हैं, जहाँ से भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से श्री राधा रानी का ध्यान करते हुए मानसिक बरसाना की यात्रा हमारे साथ कीजिए। और मान लीजिए कि अभी आप भी हमारे साथ इस गली में, इस कुंज गली में चल रहे हैं ब्रजवासियों की आवाज़ के बीच। और अब हम लोग पहुँचेंगे पीली पोखर। पीली पोखर के पास ही विनोद बाबा का आश्रम है। विनोद बाबा बरसाने के बहुत पुराने संत हैं। तो अभी आप देखेंगे मेरे साथ में पीली पोखर जी के दर्शन। अब हम लोग पीली पोखर पहुँच चुके हैं। तो पीली पोखर जी के दर्शन से पहले साथ में गाइए राधा। तो अभी आप देख सकते हो कि हम यह लोग अभी पीली पोखर में आ गए हैं। क्या करेंगे अभी पीली पोखर में हम लोग? अभी हम लोग पीली पोखर में आचमन करेंगे और श्री जी का ध्यान करके यहाँ से हम लोग निकलेंगे श्री बरसाना जी, श्री बरसाना जी की अटारी पर दर्शन करने के लिए। ये पीली पोखर है, इसकी जय श्री राधे, कई एक कहानियाँ हैं, कई एक कथाएँ हैं। हम लोग बीच पीली पोखर में खड़े हैं और देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। पीली पोखर के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की चर्चा चारों तरफ चल रही थी, तो इस बीच राधा रानी एक बार नंदगांव घूमने गई। अच्छा, तो माता ने, जो कृष्ण भगवान की माता जी थी यशोदा माता, उन्होंने राधा रानी के हाथों पर मेहंदी या हल्दी लगा दी। कई जगह पर हल्दी का जिक्र आता, कई जगह पर मेहंदी का। तो उन्होंने उनके हाथ पर मेहंदी या हल्दी लगा दी, जिसके बाद जब राधा रानी आई तो बरसाने में घुसते ही उन्होंने सोचा कि अब लोग देखेंगे मेरे हाथ में मेहंदी या हल्दी लगी हुई है तो लोग क्या सोचेंगे। तो यही सोच करके उन्होंने अपना हाथ इस स्थान पर धोया था। तब से ही इस पानी का कलर जो है वो कुछ पीला मेहंदी से कलर का है। तो आप इस पानी के कलर को देखेंगे, इसलिए इसको पीली पोखर कहा जाता है, इसको प्रिया जी कुंड कहा जाता है, प्रिया कुंड कहा जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं, वो देखिए, वो हाथ धोते हुए की छवि बनी हुई है कि यहाँ पर श्री जी ने हाथ धोए थे, इसलिए